बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं आशा करती हूं आप सब सुरक्षित होंगे स्वस्थ होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं पूरे जोश के साथ आप सभी आ जाइए ठीक है आप पूरी नजर रखते हैं मेरे पे हाँ मैम सो लेट चलिए आ जाइए क्लास में सभी आ जाइए गुड इवनिंग सभी को राधे राधे राम राम खाना पीना खा के बैठे हैं वैसे ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होने वाला क्योंकि भैया एप्लीकेशन छोटा ही है। एक दो क्वेश्चन की संभावना इस चैप्टर से रहती है है जो नीट में पूछा जाता है। अब किस प्रकार इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ोगे क्या रिवाइज करोगे ये मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी तो इस चैप्टर का नाम लिख लेना पहले आपके इस चैप्टर का नाम है ठीक है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में लिख लेना। हिंदी की भी है इंग्लिश या हिंदी दोनों में लेके चलूंगी आपसे मैंने वादा किया है और मैं वादे को निभाती हूँ ठीक है चलिए तो आ जाइए आपका जो चैप्टर हम करेंगे आज बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट मैंने थंबनेल में डाला है क्योंकि पहले चैप्टर को कल हम कर चुके हैं कि क्या क्या आएगा आप सभी ने बहुत अच्छा सा कमेंट किए भैया सभी ने कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये सेशन जिससे आपकी फास्ट रिवीजन हो जाती है और आपको पता भी चल जाता है कि नीट में आपको तैयारी के लिए किस तरीके से पढ़ना है ना बेटा दो वाले भी और दो का जो टारगेट रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट ये क्लास है चलिए तो बायोटेक्नोलॉजी ये दो चैप्टर भैया इसमें हैं एक तो भैया इसका प्रोसेस है एंड प्रिंसिपल सिद्धांत एवं प्रक्रम और दूसरा चैप्टर है वो इसकी एप्लीकेशन है। क्या है? इसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन है है क्या जैव की एवं उसके उपयोग आप लिख लीजिए उसके उपयोग ठीक है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग आपका क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है कितने क्वेश्चन से पूछे जाते हैं मैक्सिमम वन से दो एक से दो क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के बनते हैं आप ठीक है लेकिन इम्पोर्टेंट है एक से दो का मतलब है कि टू इंटू फोर मतलब का ये चैप्टर है और अगर थ्री सिक्सटी में आप काउंट करोगे अगर आप प्रिंसिपल आप वाला चैप्टर हमने किया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मॉलिकुलर वाला चैप्टर किया हमने आपका बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर हमने किया अगर इस सारे चैप्टर को जोड़ लोगे इसमें मार्क्स को और जोड़ लोगे मतलब काफी बड़ी वेटेज है बेटा 360 में से अगर एक क्वेश्चन भी हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है ना अगर ऐसा हमारे पास क्वेश्चन होता है जो हमें नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपने एकदम अच्छे से किए उसमें से आप स्किप नहीं करोगे तो ये आपके आठ मार्क्स पक्का होते हैं आपके हाथ में जो गलत नहीं होना ठीक है चलिए तो इसी के साथ क्लास का शुभारंभ करते हैं तो ये जो पहला पेज है आपका इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं इस पेज में क्या दे रखा है इस पेज में आपका जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन दे रखी है इसको और थोड़ा सा जूम कर देती हूँ यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन दे रखी है जो पूरे चैप्टर में जिसकी बात की गई है कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि क्षेत्र में भी होता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी आपको आप इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज कर सकते हो देखिए पहला पॉइंट दे रखा है एग्रो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ये पहला पॉइंट है ये पहला इसका यूज है सेकेंड इसका ऑर्गेनिक कल्चर में आप इसका उपयोग कर सकते इसकी एप्लीकेशन है तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा आपने जी आपने सुना होगा तो भैया आपकी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाते हो ये इन्होंने एप्लीकेशन में लिखा हुआ है सबसे पहले ठीक है और आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं ये मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन में पता चलेगा बल्कि यहाँ पर सिर्फ छोटी मोटी बात की है जो आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा नीट में ठीक है एक बार रीड कर रहे हैं तो कर लो वरना इतना तो जरूरी नहीं है थ्योरी अगर आप कर चुके हो तो नीड भी नहीं है कि आप एक बार रीड करो इसको अब आ जाइए इस वाले पैराग्राफ में इसको एक बार आपको रीड करना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं सुनिए प्लांट्स बैक्टीरिया आपके एनसीआर की लाइन पढ़ रही पहले एक बार मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको शानदार तरीके से दिखाई दे रहा है ये नहीं क्लियर है सर थोड़ा सा लाइट कर दीजिए जी दोनों में रीडिंग करवाऊ बेटा हिंदी की पीडीएफ एक्चुअली में खुल नहीं रही है बाकी मेरे लैपटॉप में तो खुली है लेकिन बोर्ड में नहीं खुल रही है यहाँ पर हिंदी की पीडीएफ यही बात है बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी की पीडीएफ आपके बोर्ड पर नहीं खुल पा रही है ठीक है बेटा बोर्ड पर नहीं खुल पा रही है लेकिन मेरे पास यहाँ पर आपकी पीडीएफ है ठीक है यहाँ पर सामने लैपटॉप है मेरे पास वहाँ पर पीडीएफ है तो चिंता मत कीजिएगा आप किसी भी प्रकार की आपकी पीडीएफ मेरे पास है यहाँ पर हिंदी की रीडिंग आपको भैया आप बोर्ड पे नहीं खुल रही है दो पीडीएफ यही प्रॉब्लम है वरना दोनों ही खोल के आपको मैं दिखा देती ठीक है चले शुरू कर दिखाई दे रहा थोड़ा जूम कर दो मैम जी नहीं थोड़ा सा और जूम कर दो ठीक है अब आप बताइए अब तो एकदम शानदार तरीके से दिखाई दे रहा बोर्ड पे आप तो पीडीएफ ही पीडीएफ दिखाई दे रही है मुझे लग रहा है ठीक है शानदार तरीके से आप तो आपको दिखाई दे रहा होगा शानदार तरीके से अब आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है अपलोड करवा दीजिए अपलोड करवा दूंगी आप आ, मेरे पास कमेंट ही नहीं आए किसी के कोई तो कमेंट करिए बेटा एक दो बच्चे को चाहिए क्या सिर्फ सबको नहीं चाहिए सभी के पास एनसीईआरटी अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है ना तो अपनी एनसीईआरटी को खरीदिए एनसीआर टी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको मेरे से ई e नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर आज अपलोड करवा दे ठीक है आज जो आपका मोलिकुलर का सारे तो चलो एक साथ नहीं होंगे लेकिन इस चैप्टर का बायोटेक्नोलॉजी की हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपकी पीडीएफ आज रात में ही अपलोड करवा दूंगी टेलीग्राम पर तो आप सभी चेक कर लीजिएगा भैया जिसको चाहिए पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगी ठीक है चिंता मत कीजिए और हिंदी में नहीं खुल रहा बेटा बोर्ड पे मैंने कोशिश कर ली है बाकी लैपटॉप में मैं देख रही ली आपको चिंता नहीं होगी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी चलिए आप आगे बढ़ जाए इसी के साथ चलिए बहुत बेहतरीन क्या बात है क्या बात चलिए आ जाइए अनुवंशिकतः रूपांतरित जीव भी इनको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लिखेंगे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को अनुवंशिकतः रूपांतरित जीव भी बोला जाता है यहां पर लिखे हिंदी में अनुवंशिकता रूपांतरित जीव भी इनको बोला जाता है ध्यान रखिएगा ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैन्यूपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोले है वो ऑर्गेनिज्म जीएमओ और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और अनुवंशिक रूपांतरित जीव वो जीव होते हैं जिनके जीन में हमने कुछ चेंज कर दिया है या हमने बाहर से जीन लाके उनके जीन में डाल दिए समझ रहे हैं इस बात को वो ऑर्गेनिज्म जिसके जीनोम को जीनोम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए नीट के बच्चों जीनोम होता है सेट आपका जो आधा सेट होता है गुणसूत्रों का क्रोमोजोम का उसको जीनोम कहा जाता है

चलिए आगे क्या लिखा है जीएम प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को आप बहुत रूप से क्या कर सकते हो इनका यूज कर सकते हो ये बोला गया है अब आगे देखिए जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज भैया आप जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों करते हो आप इसको कोल्ड रेजिस्टेंट बनाते हो बोला जाता है अजैव प्रतिबलों ठंडा सूखा लवण ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण करते हो इसलिए आप जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हो देखिए आप मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेसेस जो एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं अजेब अजैव प्रतिबलों के खिलाफ आप इनको क्या बना रहे हो अधिक सहषु सहष्णु और आप उसको अधिक टॉलरेंट बना रहे उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भैया सर्दी बहुत ज्यादा है पेड़ मर जाएगा लेकिन हमें टमाटर भी चाहिए और पेड़ को मरने भी नहीं देना तो हम उसमें ऐसी जीन डालेंगे कि वो भैया ठंड में भी एकदम बढ़िया तरीके से टमाटर दे समझ रहे या फिर भैया बाढ़ आ जाए लेकिन तब भी वो प्लांट खड़ा रहे अगर कोई ऐसी स्ट्रेस कंडीशन कंडीशन आ जाए हाई ए ए बायोटिक बायोटिक की की उसने बात की है जिसको अजैविक भी बोला जाता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है ए बायोटिक ये तो आप सभी को पता होगा चलिए अब सेकेंड पॉइंट बोला है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड भैया पेस्टिसाइड पे निर्भरता कम करने के लिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए हम इन, हम प्लांट पे इंसेक्ट जो लगते थे उसके ऊपर हम कीटनाशक डालते थे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो उस इंसेक्ट को मारता था लेकिन वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एक केमिकल्स होते थे जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को भी घटाते थे और भैया कुछ ऐसे केमिकल्स भी हो सकते थे जिसको हम खाएंगे और हमें हार्मफुल होंगे तो हमने क्या किया हमने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का एक अल्टरनेट मेथड ढूंढ लिया क्या बना दिया जेनेटिकली मॉडिफाई बना दिया उसके जीन्स को इस तरीके से बदल दिया कि ही अगर कोई इंसेक्ट उसको खाएगा भैया वो इंसेक्ट ही मर जाएगा समझ रहे हैं इस बात को ये जोनेटिकली मॉडिफाइड भैया इसमें आपको भी हार्मफुल नहीं है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी नहीं जा रही कोई केमिकल भी आप नहीं स्प्रे कर रहे हो ठीक है बेटा चलिए थर्ड पॉइंट देखिए हेल्प रिड्यूस रिड्यूस टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक होगा ये सारे पॉइंट्स आपके जो लिखे हैं इसको एक बार आप रीड मारोगे मैंने आपको मेन मेन पॉइंट तो बता दिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसा अ क्वेश्चन की तरीके से लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है ठीक है कुछ पूछ सकता है बाई चांस इसलिए आप इन पॉइंट्स को पढ़ लेना की जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को का क्या क्या लाभ है आप क्यों उनको बनाते हो ये इन पांच पॉइंट में आपको डिस्क्राइब किया गया हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे सुन लो इस बात को ठीक है अब आ जाओ नीचे ये जो नीचे वाला पैराग्राफ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इससे कई सारे क्वेश्चन आपके नीट के प्रीवियस इयर्स के बने हुए हैं अब इस पैराग्राफ में आपको दे रखा है एक बैक्टीरिया के बारे में जिसका नाम है बेसिलस जेनेसिस। बेसिलस जेनेसिस एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलस जेनेसिस बोले एक टॉक्सिन बनता है एक एक पदार्थ बनता है, है, जिसको बीटी टॉक्सिन बोला जाता जो कि बैक्टीरिया बनाता बनाता है, बनाता है, है एक जीवाणु जिसका नाम एंड बीन एक्सप्रेस इन द प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड इन एफेक्ट क्रिएटेड स्टिसाइड क्या कहा है उसने बोला है कि भैया एक बैक्टीरिया जरा यहां पर समझा दो आपको तो आपको शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ जाएगा एक बेसिलस थोरनजेनिस एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बीटी जिसको भैया पूरा नाम है जिसका बेसिलस ये एक बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाता है जिसका नाम मैंने रख दिया बी टॉक्सिन क्या नाम रख दिया जिसका ये एक टॉक्सिन बनाता है जिसका नाम मैंने रख दिया बी टॉक्सिन क्योंकि बैक्टीरिया का नाम बेसिलस थोरनजेनिस है तो वहीं से रख दिया बी टॉक्सिन ये टॉक्सिन जब कुछ इंसेक्ट खाते हैं कुछ कीट खाते हैं कुछ इंसेक्ट खाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है तो मैंने क्या दिमाग लगाया यहाँ पर मैंने इस बैक्टीरिया की जो जीन है जो ये बीटी टॉक्सिन बनाती है मान लीजिए इसका क्रोमोजोम है इस बैक्टीरिया का इस बैक्टीरिया के क्रोमोजोम का यहाँ पर बना देती हूँ थोड़ा सा साफ मान लीजिए ये बैक्टीरिया का क्या है क्रोमोजोम है इस क्रोमोजोम का ये वाला भाग बीटी टॉक्सिन बनाता है तो मैंने इस जीन को बाहर निकाल लिया और हमारा यहां पर जो कॉटन प्लांट था हमारा यहाँ पर जो कॉटन प्लांट था उसकी सेल के जीनोम में उसकी जीन्स में मैंने इस जीन सीक्वेंस को इंसर्ट कर दिया। से आपका जेनेटिकली मॉडिफाई कौन हुआ ये प्लांट ये कॉटन प्लांट क्या है एक जीएमओ है ध्यान रखना क्या है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाई अनुवंशिकता रूपांतरित जीव है में ध्यान रखना तो ये आपको प्रक्रिया पूरा यहाँ पर समझा रखी है कि भैया इसको यूज करने के बाद कि जो हमारी निर्भरता है इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर और पेस्टिसाइड्स के ऊपर वो कम हो जाएगी हमारी जो निर्भरता है कीटनाशक के ऊपर इनके ऊपर हमारी आवश्यक कीटनाशकों के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी ध्यान रखना अब आगे क्या लिख रखा है इसको देखते हैं एग्जाम्पल्स किस किस में हमने बी टी रेजिस्टेंस प्लांट बनाए जिसमें हमने बी टी टॉक्सिन का उपयोग किया है वो कौन कौन से प्लांट है कौन कौन से प्लांट को हमने बी टी ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आपके नीट का बना है कि कौन कौन से प्लांट आपके बी टी प्लांट है कौन कौन से प्लांट आपके बी टी प्लांट है यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आप सभी के लिए गिव example ऑफ आप सभी कॉपी में नोट कर लेना जो क्वेश्चन यहां से बनेगा एक तो जो मैं डायग्राम आपको बनाया वहां से एक क्वेश्चन पूछेगा गिव एग्जाम्पल ऑफ बीटी प्लांट ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में थोड़ा सा बदल देगा बाकी क्वेश्चन यही पूछ सकता है ठीक है चलिए ये आपका क्वेश्चन पर एक बनता है। तो आपके बीटी कौन कौन से प्लांट होते हैं कॉपी में अपनी एनसीआरटी में मार्क करेंगे बीटी कॉटन आपका बीटी कॉटन होता है जिसको बीटी कपास बोलते हैं आपका दूसरा है बीटी कॉर्न जिसको बीटी मक्का बोलते हैं राइस जिसको चावल बोलते हैं धान और आपका पटेटो आलू और साथ में सोया बीन जिसको बोलते हैं ठीक है बेटा ये सारे के सारे क्या है आपके बीटी कॉटन है कौन कौन से मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे आपका बीटी कॉटन आपका बीटी आ, आपका बीटी कॉर्न मक्का आपका बीटी राइस धान आपका बीटी पटेटो आलू और साथ में सोयाबीन जो आपको लास्ट दे रखा है और टमाटो ठीक है ध्यान रखना इस बात को अब आ जाइए नीचे बीटी कॉटन के बारे में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जिसको आपको पढ़ना है यहां से आपका कई बार आपकी नीट ने क्वेश्चन पूछा है तो ये ऊपर वाला पैराग्राफ और ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है आपका इस चैप्टर का जो सेकेंड पेज है उसको एक बार आपने ढंग से तरीके से पढ़ लेना है बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको लिखवा ही रही हूँ ये वाला पैराग्राफ और ये ऊपर वाला It is important, ध्यान रखना। चलिए, जिसको तो, जिसमें आता आता है, आर्मी वाम आता है। आर्मी इसका मतलब क्या? क्या पर हम बहुत, हम बहुत करते हैं? ढिलाई छोड़ देते हैं आपसे पूछा जाता है कि यह वाला जो टॉक्सिन है, वो कौन कौन से ये जो बीटी टॉक्सिन टॉक्सिन वो कौन कौन से इंसेक्ट को किल करने में यूज किया जाता है तो एक तो आपका हो गया भैया लेपिडोपेटेरेंस लेपिडोपेटेरन सिर्फ आपको एक कॉमन नाम दे रखा है इंसेक्ट का इसके अंदर कौन-कौन आते हैं इसके अंदर आता है आपका टोबैको बड़वॉम और आपका आर्मी वॉम। ध्यान रखना इस एग्जांपल भी आपको लर्न होना चाहिए साथ में लेपिडोपेटेरन याद होना चाहिए एकदम रट के तरीके से कि मतलब अपना नाम भूल जाओ लेकिन इन इंसेक्ट का नाम नहीं भूलना अपने दोस्त का नाम भूल जाओ लेकिन इन इंसेक्ट का नाम नहीं भूलना क्योंकि यहां से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में और आगे भी पूछ सकता है चलिए तो सच इज लेपिडो पेटेरिन जिसको टोबैको बडव भी बोला जाता है तंबाकू का कलिका कीड़ा हिंदी में देखिए टोबैको बडवॉम को बोला जाता है तंबाकू की कलिका कीड़ा चाहे आपको लिखना है तो लिख लो भैया ठीक है बाकी मैं हिंदी में बोल ही रही हूँ तंबाकू कलिका का कीड़ा टोबैको बर्ड वॉर्म और आपका आर्मी वॉर्म है सेकंड, आर्मी वॉर्म को सैनिक कीड़ा भी बोला जाता है और ये लेपिडो पटेर में आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है सीलो पटर सीलो पटेर में आता है आपका बीटल्स, उसके बाद है डिपटैर जिसमें आती है फ्लाइज मॉस्किटो ध्यान रखना मक्खी और मच्छर समें आते हैं मक्खी और मच्छर आपके डिपटैर में सीलो में आपका बीटल आता है आपका बीटल आता है है जिसको भृंग भी बोला जाता है हिंदी में को बोला जाता है भृंग ठीक है क्या बोला जाता है भृंग भृंग तो आपका इन सभी को मारने के काम आता है आपका ये बीटी टॉक्सिन इसको ध्यान रखना है इसको रिवाइज कर लेना अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे बेसिलस बेसिलसूर फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ बोला आपका जो बेसिलस थुरेंजेंसिस इसमें लिखा क्या है इसको एक बार रीड मारना मैं आपको समझा भी देती हूँ आपका बेसिलस थुरेंजेंसिस एक प्रोटीन बनाता है जो कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है अपनी किसी जीवन चक्र में इस टॉक्सिन को एक क्रिस्टल के अंदर रखता है एक क्रिस्टल बनाता है जिसके अंदर ये प्रोटीन रहती है तो भैया ये प्रोटीन इस बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं करते क्यों क्योंकि ये जो टॉक्सिन होता है ये क्रिस्टल के अंदर होता है और ये इनएक्टिवेट असक्रिय होता है कुछ काम नहीं कर सकता जब तक इसको इंसेक्ट खा ना ले और इंसेक्ट के मिड गट में मध्य अंत में जब तक ये ना पहुंच जाए तब तक ये एक्टिवेट नहीं होता है जैसे ही मिड गट में आपकी ये प्रोटीन पहुंचती है ये एक्टिवेट होती है ठीक है क्योंकि क्यों एक्टिवेट होती है क्योंकि वहां पर एल्कलाइन नेचर होता है क्षारीय वातावरण होता है तो जैसे ही ये प्रोटीन उसकी मिड गट में पहुंचती है उसकी मध्य अंत में पहुंचती है तो वैसे ये एक्टिवेट हो जाती है और जैसे ही एक्टिवेट होती है अपना काम करना शुरू कर देती है टॉक्सिन वाला काम क्या करती है उसकी गट में छेद कर देती है क्या करती है पोर्स क्रिएट कर देती है पोर्स के कारण क्या होता है आप सभी को पता है अगर उसके शर... अगर हमारे शरीर में गड्ढे बन गए तो पानी बाहर निकल जाएगा सूज जाएगा सेल्स रप्चर कर जाएंगी पूरा का पूरा गट पूरा का पूरा आंत पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है खत्म हो जाता है और आपकी वो इंसेक्ट भी मर जाता है यही सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इंसेक्टिसाइडल मतलब जो इंसेक्ट्स को किल करती है उसके बारे में दे रखा है उसका नाम दे रखा है इंसेक्टिसाइडल जिसको कीटनाशक प्रोटीन भी कहा जाता है हिंदी में क्या बोला जाता है कीट नाशक प्रोटीन कहा जाता है हिंदी में इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को इसको कॉपी में आप मार्क करते रहना हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों ठीक है देखा इसने बोला है कि भैया ये जो प्रोटीन बनती है ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारती इसलिए नहीं मारती क्योंकि ये क्रिस्टल के अंदर होती है और इनएक्टिवेट होती है द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव जिसको प्रोटोटॉक्सिन भी बोला जाता है प्रोटॉक्सिन प्रोटॉक्सिन जिसके आगे प्रो लगा दिया याद रखना वो इनएक्टिवेट होता है प्रो रेनिन इसका मतलब इनएक्टिवेट रेनिन है जिसके आगे प्रो लग जाता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है इस बात को ध्यान रखना तो आगे क्या लगा प्रोटॉक्सिन मतलब इनएक्टिवेट टॉक्सिन है बट वंस एन इंसेक्ट इनजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन डू टू एल्कलाइन ये alkaline, भी पूछा जाता है की क्यू क्यू एक्टिवेट एक्टिवेट होती कैसे है क्योंकि उसकी गट का जो इन्वायरमेंट होता है वो एल्कलाइन होता है शारी है। ध्यान रखना विच सॉलिबलाइज द क्रिस्टल द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट गट सेल अगर आपसे पूछे कहा कौन सी गट में आपकी फोर गट में मिड गट में या फिर हाइंड गट में तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि मिड गट में इपिथीलियल सेल के साथ बाइंड करती है अगर ये पूरा का पूरा आपका इंसेक्ट है तो इसका फोर गट है इसका मिड गट है और इसका हाइंड गट है तो मिडगट पे छेद करती है ध्यान रखना मिडगट में छेद करती है और यहां जाके एक्टिवेट होती है ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आ जाइए अपने नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछता है इस पेज में से तो इस पेज में से भी एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका बनता है जो आपको नोट करना है इस टॉक्सिन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका बनता है ठीक है बेटा आपकी याद रखना ये जो जीन्स होती हैं जो इस टॉक्सिन को जो ये जीन्स भैया जो जीन्स इन टॉक्सिन को बनाती है उनको क्राई जीन्स बोला जाता है ध्यान रखना जो जीन्स जो जीन्स जीन्स क्या होती भैया जीन्स जो प्रोटीन्स बनाती है, जो बनाएगी, वही तो होती है।, क्या है? आपके डीएनए का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो आपका आर बनाएगी और यही एम से प्रोटीन बनेगी तो भैया वो जीन जो आपकी टॉक्सिन को बनाती है प्रोटीन को बनाती है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को बनाती है उस जीन को क्राइजीन बोला जाता है ध्यान रखना यहां से डिनोट किया जाता है अब यहाँ पर कुछ बात लिखी गई है जिसको हमें पढ़ना है जो पेपर में पूछा जाता है तो आप नोट करेंगे ये पैराग्राफ द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट आपको कौन सी जीन चाहिए हर एक टॉक्सिन हर एक इंसेक्ट के लिए अलग अलग बीटी टॉक्सिन बनता है इस बात को ध्यान रखना अलग अलग क्रॉप के लिए भैया अगर कपास का पेड़ है अगर कॉटन का पेड़ है तो उसके लिए अलग टॉक्सिन का यूज किया जाएगा अगर टमेटो का पेड़ है तो उसके लिए अलग टॉक्सिन का यूज किया जाएगा और ये टॉक्सिन अपनी अलग अलग जीन से बनेगी तो इन जीन्स का नाम भी अलग होता है इस बात को ध्यान रखना द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्राए वन ए सी नेम्ड क्राई ध्यान रखना द टॉक्सिन कोडेड बाय जीन ये टॉक्सिन एक जीन से कोड होता है इसका कूट लेखन एक जीन से होता है जिसका नाम है क्राई देर आर नंबर ऑफ देम फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन इनकोड बाई द जीन्स भैया जो प्रोटीन आपकी क्राई वन ए सी कंट्रोल करती है और क्राई टू ए बी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखिए आपकी जो क्राई वन एसी जीन है और आपकी जो क्राई टू ए बी जीन है ये क्या कंट्रोल करती है ये कॉटन के पेड़ में ये कपास के पौधे में बॉलवॉर्म को कंट्रोल करती है ध्यान रखना किसको बॉल को और आपकी एक और जीन है जिसका नाम है क्राई वन बी ये कॉर्न मक्के के पेड़ में कॉर्न बोरोवर को कंट्रोल करती है वो इंसेक्ट जो इसमें गड्ढे बनाता है बोरोवर करता है ध्यान रखना और ये बॉलवॉर्म को कंट्रोल करती है ये आपके तीन जीन यहां पर दे रखी है क्राई वन सी क्राई टू ए बी और क्राई वन ए बी इन तीनों का नाम ध्यान रखना है ये किसमें क्या कंट्रोल करती है ऊपर वाली कॉटन के बॉलवॉर्म को कंट्रोल करती है ध्यान रखिएगा किसको कंट्रोल करती है कॉटन के बॉलवॉर्म को कंट्रोल करती है ठीक है किसको कंट्रोल करती है कॉटन के बॉलवॉर्म को कंट्रोल करती है जिसको कपास के मुकुल कृमि का नियंत्रण हिंदी में आपके बुक में लिखा होगा कपास के मुकल कृमि का नियंत्रित करती है और जो क्राय वन ए बी है वो आपकी मक्का छेदक का नियंत्रित करती है इन दोनों बातों को नोट करना ही आपसे पूछा जाता है नीचे आप इसके पेज पे आओगे तो यहाँ पर आपको पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट आर एन एफ इंटरफेरेंस टेक्निक दिया है आपको इसका कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा आपको एक बार रीड मारना है ये पैराग्राफ और अगर आपने मेरे से थ्योरी पढ़ी है तो एक बार थ्योरी देख लेना वहां पर रिवाइज कर लेना इसमें पूछता क्या है आपका भैया इसे जो टबैको प्लांट है उसमें आर इंटरफेरेंस का उपयोग किया जाता है आर इंटरफेरेंस क्या होता है तो सुनिए आपके दो आर होते हैं एक होता है सेंस आर सेंस आर वो आर होता है जो प्रोटीन को बनाता है तो आरएनए इंटरफेरेंस वो टेक्निक है आप क्या करते हो आरएनए इंटरफेरेंस में एक इसका एंटी सेंस आर होता है एंटी सेंस मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा इसका पूरा रज्जुक होगा आप इस एंटी सेंस आर को इसके साथ क्या करवा देते हो हाइब्रिडाइज करवा देते हो ही आपका सेंस सेंस के साथ हाइब्रिडाइज कर देता है ये डबल स्टैंडर्ड आर बन जाता है आपका डबल स्टैंडर्ड प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता ध्यान रखना आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता इस बात को ध्यान रखना प्रोटीन नहीं बनेंगे और, एक और आपका ये जो आपके सेल के द्वारा नेचुरली इसको तोड़ दिया जाता है जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बनता है आपके बॉडी इस डबल स्टैंडर्ड आर एन ए को तोड़ देती है ध्यान रखना तो इसी आर एन ए इंटरफेरेंस का उपयोग करके आपके कुछ कुछ प्लांट्स में हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाए आपके इस टेक्निक को उपयोग करके कि भैया हमने उस प्लांट में एंटीसेंस आर डाला जब इंसेक्ट ने उसको आक्रमण किया और जब उसकी प्रोटीन जब उसका आर बना उस आर से जो प्रोटीन बननी थी उसी आर सेंस आर जिससे प्रोटीन बननी थी हम हमने उसके साथ एंटीसेंस आर को हाइब्रिडाइज करवा दिए संकर करवा दिया उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया जिससे भैया आपकी वो कोई प्रोटीन नहीं बना पाई और प्लांट को कोई हार्म नहीं पूछा ध्यान रखना ये पूरा यहाँ पर यही समझा रखा है और जो वेक्टर का प्रयोग किया जाता है इसमें उस वेक्टर का नाम ध्यान रखना है एग्रो बैक्टीरियम वैक्टर का उपयोग किया जाता है और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया किस चीज मेन यहां पर बात की होगी सेंस आर एन ए और एंटी सेंस आर एन ए समझ में आ गया कि सेंस आर एन ए कौन सा होता है जो प्रोटीन्स बनाता है हम क्या करते हैं इसके साथ एंटी सेंस आर एन ए को क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो इन दोनों को हाइब्रिडाइज करवा देते हैं जिसके कारण वो प्रोटीन नहीं बन कि वो टॉक्सिक प्रोटीन नहीं बनती है जो आपके प्लांट को हार्म कर सके और एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग करके हम इस एंटीसेंस आरएनए को डालते हैं अब आ जाइए यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एक डायग्राम दिया है आपको इस डायग्राम को जरा बड़े ही ध्यान से देखिएगा ठीक है इस डायग्राम को बड़े ही ध्यान से देखिएगा यहां पर आपको जो डायग्राम दे रखा है ये तंबाकू की रूट्स का डायग्राम है किसकी रूट्स का डायग्राम है तंबाकू की रूट्स का ये डायग्राम है ठीक है बेटा यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन है ये टबैको की रूट से ठीक है इसमें क्या इंफेक्शन है यहाँ पर एक निमेटोड का इन्फेक्शन है ध्यान रखना ये आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर में पूछा गया है कि टबैको प्लांट में एक रोग होता है ठीक है टबैको प्लांट में ये रोग होता है रूट नोड्यूल्स बनते हैं ये किसके द्वारा बनता है तो ध्यान रखना निमेटोड के द्वारा बनता है और उस निमेटोड का नाम आपसे पूछा जाए तो उस निमेटोड का नाम है मेलिडोग कोग्नीशिया क्या नाम है आप इसको स्पेलिंग को चेक कर लेंगे इनकोगनी उस निमेटोड का नाम है जो इसके अटैक करता है और रूट्स पे ये नोड्यूल से बना देता है जो यहाँ पर आपको डायग्राम में बना दिखा रखा है ठीक है ये आपके रूट्स को टोबैको की रूट्स को तंबाकू की जड़ों को इफेक्ट करता है ध्यान रखना मैं नाम क्या है निमेटोड का मेलोडिग इन जो आपकी टोबैको की रूट को इनफेक्ट करती है आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपके में डायग्राम दे रखा है और ये आपसे पूछ भी सकता है ठीक है ये आपसे पूछ भी सकता है तो एक बार इस डायग्राम को तरीके से देख लो जो मैंने आपको वहां पर एक्स्ट्रा बात बताई इसको लिख लेना क्योंकि प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन है ये थी? ठीक है आपको यही कहीं पर भी उस निमेटोड का नाम नहीं दिया हुआ लेकिन एनसीआरटी में अगर बोला है निमेटोड तो भैया आपको उस निमेटोड का नाम पता होना चाहिए तो क्योंकि आपकी एनसीआरटी इसी तरीके से पूछती है बेटा नीट में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आते आएंगे सिर्फ एनसीआरटी में से लेकिन भैया ये कुछ बदल के दे देगा अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंसुलिन में से विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंसुलिन में से आपका क्वेश्चन आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कौन सी होती है यहां पर इंसुलिन को किसमें बनाया जा, जाता है ये पूछा जाता है ई e. कोलाई में बनाया जाता है आपकी इंसुलिन जब एक ह्यूमन बीइंग में बनती है तो सबसे पहले ये इनएक्टिवेट फॉर्म में बनती है इनएक्टिवेट का मतलब इसमें एक सी चेन होती है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और इस इंसुलिन को प्रो इंसुलिन बोला जाता है मैं आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के समझाऊंगी क्योंकि ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पेपर के लिए नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें एक बार ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा चलिए तो पैराग्राफ पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या दिया हुआ है इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स बोले सुअर जो होते थे और जो कैटल्स होती थी जैसे गाय भैंस वगैरह ये जो कैटल्स होती थी और ये जो सुअर होते थे बोला गया सबसे पहले इनसे आपका क्या लिया जाता था इनसे क्या लिया जाता था? इन जानवरों से इन कैटल्स और सूरों को मारकर इनसे इनकी अमाश्य से, पेनक्रियाज में से इंसुलिन लिया जाता था तो और इंसुलिन को ह्यूमन में जिस पेशेंट को डायबिटीज है मान लीजिए मुझे मधुमेह रोग है मुझे डायबिटीज है तो पहले क्या किया जाता था इन सूरों को मारा जाता था इन कैटल्स को को भैंसों मारा जाता था और इनकी से ियाज में से इंसुलिन बना इंसुलिन को निकाल दिया जाता था इंसुलिन की जीन को और हमारे अंदर डाल दिया जाता था इंसुलिन की प्रोटीन को निकाला जाता था और हमारे अंदर डाल दिया जाता था लेकिन देखा गया भैया कितने जानवरों को मारोगे तुम कितने कितने गह हत्या करोगे कितने पिक्स, कितने जानवर बचा कुछ बोलता नहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कुछ भी करोगे तो भैया एक तो जानवरों को भी मार रहे हैं ऊपर से जो उन, उनकी इंसुलिन का हम प्रयोग करते थे हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती थी प्रतिरक्षी ठीक है समझ रहे हैं इस बात को उनके खिलाफ ही बना देती थी क्योंकि भैया वो पहचान लेती थी कि भैया ये मेरा इंसुलिन नहीं ये मेरा इंसुलिन का हार्मोन नहीं है ये कहीं और से आया हुआ है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज और प्रतिरक्षी बना देती थी कौन हमारा शरीर इसलिए भैया इसको कैंसिल कर दिया गया कि अब हम गाय भैंसों से हम सुरों को नहीं मार के भैया इनके पेनिक्रियास से हम इंसुलिन नहीं लिया करेंगे हम अपनी बनाएंगे हम बायो, हम इंजीनियर करेंगे हम बनाएंगे हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम इंसुलिन को बनाएंगे तो वहीं से आया आपका ये बायोटेक्नोलॉजी जो आपका जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन है चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स चली ये बात हो चुकी है इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड आपका जो सक्रिय इंसुलिन होता है जो काम करता है कार्यशील जो इंसुलिन होता है उसमें सिर्फ दो पेप्टाइड की चेन होती है ध्यान रखना कितने पेप्टाइड की चेन होती है टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड होती है जिसको चेन ए और चेन बी कहा जाता है that are linked together by disulfide bridge ध्यान रखना सिर्फ दो पेप्टाइड की चेन होती है आपकी सिर्फ दो पेप्टाइड की चेन होती है जो कि सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि एक एक्टिव एक इंसुलिन में एक एक्टिव इंसुलिन में कितनी आपकी पेप्टाइड चेन होती है कितनी इंसुलिन की पेप्टाइड की चेन होती है तो ध्यान रखना दो इंसुलिन दो पेप्टाइड की चेन होती है आपकी एक एक्टिव इंसुलिन में कितनी पेप्टाइड की चेन होती है पहला क्वेश्चन ये पूछेगा तो आप बोलोगे दो पेप्टाइड की चेन होती है और ये दोनों चेन किससे जुड़ी होती है कौन से बंध कौन से बॉन्ड से तो आप बोलोगे सल्फर लिंकेज से जुड़ी होती है और डायसल्फाइड ब्रिज बोलोगे या डायसल्फाइड बॉन्ड इन मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ हु हार्मोन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस इंसुलिन को इनएक्टिव इनएक्टिवेट फॉर्म में बनता है असक्रिय फॉर्म में सबसे पहले हमारे शरीर में बनता है उसके बाद ये एक्टिव होता है तो ये जो इनएक्टिवेट इंसुलिन होता है इसको प्रो इंसुलिन भी कहा जाता है ध्यान रखना क्या बोला जाता है प्रो हार्मोन

आपकी ब्लू वाली ए है और आपकी हरी वाली बी चेन है और आपकी ब्राउन वाली सी चेन है तो आप इस सी पेप्टाइड को जब इससे बाहर निकालते जो कि आपने बाहर निकाल दिया और आपकी सिर्फ ए और बी पेप्टाइड आपस में जुड़ती है तब इसको एक एक्टिवेट एक इसको एक इंसुलिन कहा जाता है ध्यान रखना ये आपका एक्टिव इंसुलिन हार्मोन है जो आपका काम करेगा या जो आपका इनएक्टिवेट होता है उसको प्रो इंसुलिन बोला जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है बेटा यही चीज यहां पर सब लिखी हुई बोला be जाता है जो मेच्योर और फंक्शनल इंसुलिन होता है उसमें ये सी पेप्टाइड चेन नहीं होती है ठीक है ध्यान रखिएगा तो सी पैप्टाइड को निकाला जाता है तब वो एक्टिवेट होती है The main challenge for production of insulin using recombinant DNA technology was getting insulin assembled into a mature form. In 1983, यहाँ पर note करिए ये point आपका important point है 1983 एटी थ्री में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लीली -ली। एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने दो डीएनए के सीक्वेंस लिए थे जो भैया ए पेप्टाइड को बनाती थी और बी पेप्टाइड को बनाती थी इस दोनों जीन को उसने बैक्टीरिया e में डाल दिया और वहां से आपका ए पेप्टाइड बना और बी पेप्टाइड जो डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ गए ठीक है ध्यान रखना ठीक है चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटेड डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन जिसको ह्यूमलिन भी कहा जाता है जो भैया ये रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन होता है इसको भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना बोला कि भैया ए जीन लिया जिसे ए पेप्टाइड बनाया बी जीन लिया जिसे बी पेप्टाइड बनाया और दोनों को बाहर निकाल लिया बैक्टीरिया में से और दोनों को डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया और आपका हार्मोन बना दिया फिर इसको पैक कर दिया और कमर्शियली भैया बेच दिया चलिए तो तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा इंसुलिन कैसे बनता है और सारी चीजें अब नीचे आपको एक जीन थेरेपी दे रखा है अब इसमें आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन वो आप नोट करेंगे उसके अलावा आप सब पूरे के पूरे इस पैराग्राफ को जरूर पढ़ेंगे अपने आप से लेकिन जो मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा वो ये कि जीन थेरेपी का उपयोग करके कौन से रोग को ठीक किया जाता है यहां पर आपका एक ड्रोग दे रखा है जिसका नाम है De क्या नाम है de हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही इसको एडीनोसाइन डी एमिनेज बोला जाता है तो आप नोट करेंगे एडीए डेफिशियंसी की कमी से भैया इस लड़की को एक रोग था जो चार साल की उम्र में ये जो लड़की थी इसको एक रोग था ठीक है जिसके कारण भैया कैन बी क्योर्ड बाय जो सिर्फ बोन बोनमेरो ट्रांसप्लांटेशन से ठीक हो सकता था ध्यान रखना तो इसके बारे में आप देख लेना यहाँ पर जिस वेक्टर का प्रयोग किया गया उस वेक्टर का नाम था रेट्रोवायरस मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो एनिमल्स के लिए संवाहक का प्रयोग किया जाता है जिस वैक्टर का उपयोग किया जाता है उसका नाम है रेट्रोवायरस इस बात को ध्यान रखेगा इस पैराग्राफ को आप जरूर पढ़ लेना मैं इसको इस पैराग्राफ को आपके ऊपर छोड़ रही

और ये आपका लास्ट पेज है जिसमें इथिकल इश्यू दे रखा है और यहाँ पर एक बायोपेरेसी नाम का शब्द भी यहाँ पर आया होगा आपको बायोपेरेसी शब्द मैं एक बार देख लेती हूँ बायोपेरेसी कहा अच्छा ये लास्ट पेज पे एक वर्ड एक शब्द दे रखा है जिसका भैया यहां पर दे रखा है बायोपेरेसी आप सभी को दिखाई दे रहा है टॉप पे देखिए बायोपेरेसी ये इंपॉर्टेंट है आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बन सकता है कि बायोपेरेसी क्या है तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है इतनी चीजें इस चैप्टर में जरूर कर लेना आप क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीजें ठीक है इतनी चीजें कर लेना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बायोपेरेसी पे आ जाइए हिंदी में भी इसको बायोपेरेसी ही बोला जाता है एक बार पढ़ लेती हूँ आपको बता देती हूँ बायोपेरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर To the use of bio resources by multinational companies and other organizations without proper authorization, without proper authorization from the countries and people concerned, without Payment, क्या बोला गया है? ऐसा होता है सुनिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ मान लीजिए मैंने एक बुक बनाई मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च की कोई नए पौधे की खोज की ये ऐसे पौधे पौधे की खोज की जो तो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता किसी को पता नहीं था मैंने ही खोजा फिर मैंने क्या किया इस पौधे के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा एक बुक लिख दी ये बुक थी मेरी मैंने लिखा था मैंने खोज की थी तो अगर इस बुक को मेरी खोज को मेरे रिसर्च को कोई चोरी कर ले बिना मेरी परमिशन के बिना मेरी परमिशन के आप अपनी आप अपने नाम से मेरी बुक को छाप दें तो मैं आपके ऊपर बायोपेरेसी का खे, आ, केस लगेगा ठीक है ध्यान रखना आपको इस चीज को बायोपेरेसी बोला जाएगा जब आप मेरी चीजों को बिना मेरी परमिशन के बिना मे, मेरे को पैसे दिए कि भैया मैं आपकी बुक का ये टाइटल ले सकता हूँ कि मैं आपका ये पैराग्राफ ले सकता हूँ क्या मैं आपका इस प्लांट का यूज कर सकता हूँ आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो इसको बोला जाता है बायोपेरेसी और एक प्रकार की चोरी है आपने चोरी की है आपने मेरा कंटेंट चोरी किया है ठीक है तो आपका देखिए अभी तो फिलहाल मैंने एनसीआरटी की बुक नेट से उठाई है देखिए अब यहां पर भी देखना ये जो एनसीआरटी की बुक है ये मैंने नेट से उठाई है नेट के किसी साइट से ठीक है अगर एनसीआरटी चाहे देखिए अगर मैं अपनी यहां पर अगर मैं कुछ वीडियो चलाती हूं मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं अगर मैं यहाँ पर कोई वीडियो चलाती हूँ यूट्यूब की मान लीजिए यूट्यूब चला दिया मैंने यहां पर आपको कुछ सिखाने के लिए ये वीडियो थी उस थर्ड पर्सन की और चला दी मैंने बिना उसकी परमिशन के तो इसको बोला जाता है बायोपेरेसी क्या बोला जाता है बायोपेरेसी भैया चोरी की आपने ध्यान रखिएगा यहां पर कुछ आप क्या, इसको, आ, आपका इसको आपका इंटेलेक्चुअल राइट्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये लास्ट के दो पेजेस का दे रखा है इतना क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे थोड़ा सा रीड मार लेंगे चलेगा काम नहीं पूछता है वैसे तो जितना अनुमान है बायोपेरेसी में से पूछ सकता है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया और आपका पेटेंट वगैरह दे रखा है पेटेंट का मतलब भी यही होता है कि भैया मैंने जो बुक छापी इसको मैंने पेटेंट कर लिया एक लॉयर हायर किया जाता है वो लॉयर आपका पूरा बनाता है आपके आपका पूरा मतलब लिखता है आपका कि आपने कब इसको छापा था इस बुक को आपने किस दिन ये रिसर्च की थी क्या आप ओरिजिनल इसके भैया जो आप छाप रहे हो कि आपने सच में ये काम किया पूरा ये चेक किया जाता है लॉयर चेक करता है और आपका पेटेंट दिया जाता

अगर उस किसी भी व्यक्ति ने आपके एग्जामपुर का ये लोगो चुराया तो हम उस पर कॉपी डाल सकते हैं कि भैया

होता है ये निशान उसका ट्रेडमार्क है है ठीक आप आप उसको चोरी नहीं नहीं कर सकते आप नहीं लगा सकते लगा वरना आपके ऊपर वो सारी चीजें मैंने, तो मैंने बता दी इसी के साथ मैं क्लास को कर दूंगी। अगर आपको इस प्रकार के और चैप्टर अपने मनपसंद पसंद चैप्टर चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट अब डिस्कस करना है एक क्लास में खत्म कर देंगे अगर लंबा होगा तो दो क्लासेस में खत्म कर देंगे वरना एक दो क्लासेस में हम उसको खत्म कर देंगे एनसीईआरटी के साथ विद कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं और आगे क्या किस पैराग्राफ में से क्या पूछ सकते हैं ये सारी मैं आपको 2021 से पहले सब बता दूंगी ठीक है चलिए इसी के साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फहद खान माय लाइफ एनडीए टारगेट 22 प्रियांशु महते नीलम राजक और कोई बच्चा और कौन जुड़ा है यश यादव चलिए तनीशा कुमारी और कोई बच्चा जो जुड़ा है आज जी यश यादव और कोई नया बच्चा जो आज क्लास में जुड़ा है कुमार विश्वास तनिषा कुमारी जी बेटा चैप्टर सिक्स चैप्टर फिफ्थ और चैप्टर सिक्स तो मैं करवा चुकी हूं आपको क्लास ट्वेल्थ की बुक के तो अगर आपको वो चैप्टर देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना बेटा दोबारा से तो नहीं करवा सकते अभी करवाएं तीन चार दिन पहले ठीक है नरेंद्र कुमार खुशहाल यादव कुमारी संजू वंदना तिवारी नरेंद्र कुमार सौरभ पटेल शगुन पाठक दीपक कुशवाहा सवा फिरदोज यश यादव पूजा पूजा विजय लक्ष्मी शालिनी और कोई बच्चा जुड़ा है मैम जी प्लीज समरी भी पढ़ाइए बिल्कुल समरी तो अच्छा लास्ट में जो टेबल में समरी दी होती है बेटा इतनी पूरी अगर चैप्टर मैंने आपको बता दिया तो भैया निचोड़ तो हो ही गया ना तो समरी तुम एक्स्ट्रा क्या करोगे वही चीज को दोबारा रिपीट करना हो गया वो तो चलिए मैम नोट्स मैम पूरी एनसीआर कराए बिल्कुल एनसीआर करेंगे एक एक साथ ठीक है जैसे बोल रही हूँ नोट्स कैसे बनते मैंने इसका आपको एक आ, क्लास भी ली थी कि नोट्स कैसे बनाना है आपको 2022 वाले बच्चों आपको देखना है कि नोट्स कैसे बनते हैं किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनते हैं कैसे बनाए जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बताया था और नोट्स भी अपलोड करवाए थे देखिए जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से करूंगी आपको प्रैक्टिस टेस्ट सेशन भी देती हूँ जो मैं दो बजे की क्लास में करवाती हूँ उसके क्वेश्चन भी आपको अपलोड करवाती हूँ तो आप सभी उसको घर पे बैठ के किया कीजिए आज का भी करवा दिया था मैंने दो बजे का साथ जो मैंने क्लास में पढ़ाया था बोर्ड पे वो भी अपलोड करवा दूंगी मेरा रिटर्न और साथ में एक प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको दिया था उस चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए नोटिफिकेशन आती रहती है उसको चेक जरूर करते रहिए टाइम टू टाइम कि आप क्या डाला है ठीक है वरना रेगुलर मैं आपका डालती रहती हूं टेलीग्राम पे जो एक, एक्स्ट्रा आप बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं वो टेलीग्राम पे होती हैं और ऐप पर आपकी सारी की सारी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सभी की क्या डलती है? डलती है है आपकी पीडीएफ इसी के के साथ आप सभी के लिए कौन सी साइट है मैम नोट्स की प्लीज बता दो बेटा टेलीग्राम का एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल है जहां पर मैं नोट्स डालती हूँ जहां पर मैं पीडीएफ डालती हूँ जहां पर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डालती हूँ आप सभी के लिए तैयारी के लिए ठीक है बेटा प्लांट किंगडम ओके शिवानी प्रतीक अब आप के लिए एक धमाकेदार शानदार जबरदस्त न्यूज है जो मुझे आपको बतानी है जिसका इवेंट आपको कल दिख जाएगा जिसके लिए आपको कल दिख जाएगा क्या शानदार बेहतरीन जबरदस्त जानदार न्यूज है मेरे पास तो उसको जरा सुनना कल आपकी क्लास नाइन्थ अगर आपके कोई भाई बहन बंधु जो क्लास नाइन्थ में है और क्लास टेंथ में है तो क्लास नाइन्थ और टेंथ वाले बच्चों के लिए एक धमाकेदार जानदार न्यूज लेके आ रही हूं मैं और एक अनाउंसमेंट लेके आ रही हूँ कल ठीक है कल कितने बजे जो मेरी दो बजे की क्लास जब खत्म होती है दो पचास का आपका ये इवेंट है टू फिफ्टी दो पचास पे वैसे तो आप क्लास में सारे होंगे ही और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या कर लेना है जोड़ लेना है इस क्लास में तो दो पचास पे आप सभी को पहुंच जाना है कितने दो पचास पे एक इवेंट एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए आप जुड़ना आपको पता चलेगा क्या अनाउंसमेंट है शानदार है मैंने आपसे हम जो आपसे वादा किया था एग्जामपुर ने जो विवेक सर ने आपसे वादा किया था कि आपके की हर क्लास के लिए आपको कुछ दिया जाएगा वही आप सभी के लिए और एकदम फ्री निःशुल्क कोई पैसा नहीं है इस क्लासेस का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता बस आपसे थोड़ी सी मेहनत मांगी जाती है जो आप मुझे पता है देंगे चलिए इसी के साथ क्लास को खत्म कर देते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत